आजकल दिल्ली के तमाम इलाके पानी की किल्लत से परेशान हैं। ये परेशानी उन इलाकों में भी है जिन्हें पॉश कॉलोनी का दर्जा मिला हुआ है। पॉश इलाके में भी रहने वाली महिलाएं पानी के टैंकर के इंतजार में घंटों दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। पानी मिलने में जितना देर होता है उतना ही ये महिलाएँ केजरीवाल सरकार को कोसती हैं। पूरा मामला दिल्ली के वसंत कुंज इलाके का है, जहाँ की महिलाएं पानी के लिए टैंकर का इंतजार करती अक्सर दिखाई देती हैं। पानी की बहुत दिक्कत है, 4 महीने से मेरे घर में बिल्कुल पानी नहीं है। सिर्फ हम लोग टैंकर पे चल रहे थे, लेकिन अभी जो है 1 वीक से टैंकर भी नहीं आ रहे हैं। कंप्लेन करते हैं जल बोर्ड में, वो कहते हैं मैडम हम चाय पी के बताते हैं। ये तो उनका एटीट्यूड, आधा आधा घंटा हम कॉल करते हैं बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है उनका। पहले फोटो उठाते ही नहीं है, फोटो उठाते हैं तो बोलते हैं मैडम 10 मिनट की बात करते हैं। हम आके रहिए यहाँ पे, मिस्टर केजरीवाल प्लीज कम एंड लिव हियर। हाँ, यहाँ आके रहिए। मैसेज क्या, वो यहाँ आके कुछ दिन रहें तो उनको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है हम लोग की। तो आम आदमी के साथ रहें, उनको देखें, तभी तो पता चलेगा कि आम आदमी की प्रॉब्लम क्या है। अब वो आम आदमी तो है नहीं, खास आदमी हो गए। तो हजारों लीटर पानी पर सब्सिडी देने वाली सरकार जरा इन लोगों की भी सूद ले ले। हजारों लीटर तो दूर, जरूरत भर की पानी भी इन्हें मिल जाए तो ये लोग केजरीवाल को दुआ देंगे। नहीं तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को जिताकर ये लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। दिल्ली से राकेश सोनी, खबर हरपल, इंडिया।